मैम, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम वंदना राय है, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। हाँ, गाजीपुर से आई हूँ मैं इस अनशन के लिए। हाँ, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से मैं आई हूँ। मेरा इस कैमरे के माध्यम से ये कहना है कि राकेश टिकैत जी, मोदी जी ने राजनीति में पीएचडी किया है। हाँ, जितना आपका उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने राजनीति किया है, और वो उन आपको इसलिए छुट्टा छोड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप, पूरे देश की जनता को पता चल गया है कि आप कितने गिरे हुए व्यक्ति हैं। हाँ, वो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब कर दी गई थी 26 जनवरी को, तो आपको लगता है कि अब राजनीतिक स्तर पर ये चीजें ठीक हो पाएंगी? क्योंकि वो तो एक भूतकाल में चली गई चीजें और एक छवि खराब हो चुकी है, ये कभी सुधरेगी? है कि ये ग्लोबलाइजेशन का समय है, हर जगह का पूरा विश्व का जो खबर है यहाँ से वहाँ होता है, तो पूरा विश्व में छुपा नहीं है कि जो राकेश टिकैत है वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है, वो गद्दारों से मिला हुआ है और इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सबको पता है, विदेश वालों को भी पता है। हाँ, और जिसको नहीं पता है वो उसको जानबूझ के नहीं पता है। राकेश टिकैत जी ने तो 2024 तक की तैयारी कर रखी है अपनी। चले योगी जी, हम एक मिनट, राकेश टिकैत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके आप में दम है तो आप उत्तर प्रदेश में तांडव करके मचाइए। योगी जी आपको सबक ना सिखा देते हैं फिर मेरा नाम नहीं। पर वो तो कह रहे हैं नखलऊ को वो दिल्ली बनाएंगे, घेराव करेंगे, लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, वो मार के उनको बेत बना देंगे। योगी जी उनको मार के बेत बना देंगे। अगर औकात है तो जाकर के उत्तर प्रदेश में धरना करें और यहाँ की तरफ तांडा मचाए। जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ। हाँ, वही तो कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कोई ऐसे तैसे व्यक्ति का नाम नहीं है। पर यूपी में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इस बार चुनाव में, योगी कुछ नहीं, किसान जो असली किसान है वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, ये गुंडे मवाली गद्दार आतंकवादियों और चीन से और पाकिस्तान से मिले हुए ये किसान है, ये किसानों का आंदोलन है। सबको पता है कि घटिया लोगों की, गद्दारों की और आतंकवादी समर्थित लोगों की ये आंदोलन है जिसका कोई काम नहीं है। जिसको भी नेता बनना है वो जाकर के किसान आंदोलन में शामिल हो जा रहा है कि हम चर्चित हो जाए, भाई नेता बन गए हैं, वो कोई आंदोलन है। एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं राकेश टिकैत को यूपी चुनाव में? अरे उसको चुनौती, उसको जनता सब जानती है कि वो बहुत गिरा हुआ इंसान है, उसका यही काम ही है। वो नहीं, ये काम नहीं करेगा तो उसको आतंकवादी पैसा कैसे देंगे सब, उसको देशद्रोही पैसा कैसे देंगे सब, कैसे देंगे, इसी का तो कमाई खरा।